हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सिनेमा शो, जहां आपको मिलती है फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और जरूरी खबरें। आज के शो में बात करेंगे विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म इमॉर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा की। बताएंगे कि ये फिल्म ठंडे बस्ते में क्यों चली गई। साथ ही कंगना रनौत की बात होगी, जिन्होंने थलाइवी की रिलीज से पहले महाराष्ट्र सरकार से फिर पंगा ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरनामा। पहली खबर एक लॉस की है। अमेरिकन ड्रामा सीरीज द वायर के एक्टर माइकल के विलियम्स कल अपने घर में मृत पाए गए। न्यूयॉर्क पुलिस ने इस बात को कंफर्म भी किया। अभी तक उनकी मौत की वजह पता नहीं चल पाई है, मगर कई यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से ही उनकी मौत हो गई। माइकल को उनके शो लवक्राफ्ट कंट्री के लिए एमी नॉमिनेशन भी मिला था। ये अवार्ड शो 19 सितंबर को होने वाला है। उन्होंने HBO की सीरीज बोर्ड वॉक एम्पायर में भी काम किया है। माइकल की मौत के बाद हॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत से लोग उनसे जुड़ी यादें शेयर कर रहे हैं। सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम के गाने में वरुण धवन नजर आने वाले हैं। ये गाना गणपति महोत्सव पर बेस्ड होगा, जिसे इस गणेश चतुर्थी यानी कि 10 सितंबर को रिलीज किया जा सकता है। फिल्म फेयर की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान खुद इस गाने को रिलीज करेंगे। अंतिम की शूटिंग मुंबई में हुई है, उसमें गणपति महोत्सव का स्पेशल नंबर दिखाया जाएगा। इस गाने में वरुण के साथ सलमान खान और आयुष शर्मा भी नजर आएंगे। बीते 2 सितंबर को टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई। वो बिग बॉस 13 के विनर थे। उनके जाने के बाद पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें अपने अपने तरीके से याद किया। 6 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला की याद में एक प्रेयर मीट भी ऑर्गेनाइज की गई थी। ब्रह्मकुमारी सेंटर की बीके शिवानी ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने इस प्रेयर मीट में क्या कहा। इस वीडियो को बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा ने शेयर किया। आप भी देखिए उनका ये वीडियो। 2 तारीख को शाम को जब मैंने रीटा बेन से फोन पे बात की, अर्थात सिद्धार्थ भाई की मम्मी, जो हमें अभी दीदी ने बताया ना, माँ की परवरिश, माँ के संस्कार, पालना, तो जब मैंने उनसे फोन पे बात की, जब उन्होंने सिर्फ फोन पर आकर कहा ओम शांति, उस ओम शांति में इतनी स्थिरता थी, इतनी शक्ति थी, मैंने सोचा भगवान ये कौन सी शक्ति है जो ये मुख इस माँ के मुख के द्वारा बोल रही है। और फिर मैंने कहा रीटा बेन आप ठीक हैं, तो कहते मेरे पास परमात्मा की शक्ति है। क्या महान आत्मा है जिसकी माँ इतनी महान है कि उस समय भी उनके मन में सिर्फ एक ही संकल्प था। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ एक ही संकल्प है, वो खुश रहेगा जहां जाएगा। बीते दिनों सिद्धार्थ की फैमिली की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था, जिसमें परिवार की प्राइवेसी बनाए रखने की गुजारिश भी की गई थी। अक्षय कुमार पिछले एक हफ्ते से यूके में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन 6 सितंबर के तड़के सुबह आनन फानन में वो मुंबई वापस आए। अक्षय की मां अरुणा भाटिया की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी। वो मुंबई के हीरा नंदानी अस्पताल में ICU में एडमिट हैं। अक्षय की मां की बीमारी के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं चल पाई हैं, लेकिन अक्षय कुमार यूके में सिंड्रेला नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसमें अक्षय के साथ रकुलप्रीत सिंह भी नजर आएंगी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होगी। हम अक्षय की मां के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। अजय देवगन जल्द ही फिल्म मैदान में नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग कोरोना की वजह से बीच में ही रोक देनी पड़ी थी, मगर अब खबर है कि अगले महीने से वापस इसकी शूटिंग शुरू की जा सकती है। ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म इंडियन फुटबॉल टीम के पूर्व कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगी पर बनेगी। शूटिंग शुरू करने से पहले मेकर्स मुंबई में बने सेट को फिर से बनाने में जुट गए हैं। बीते दिनों आए तूफान की वजह से सेट को भारी नुकसान हुआ था। अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन, अनुपम खेर, फरहान अख्तर जैसे 38 सितारों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दरअसल मामला 2019 का है। हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें 4 लोगों ने मिलकर एक लड़की का रेप किया था और उसे जिंदा जला दिया था। इस घटना पर पूरे भारत ने अपना गुस्सा जाहिर किया। ट्विटर पर सेलिब्रिटीज ने भी नाराजगी जताई थी। इसके चलते कुछ सेलिब्रिटीज ने, कुछ स्टार्स ने विक्टिम की पहचान को उजागर किया था। इसी वजह से अब उन पर यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक ये केस दिल्ली के एक वकील गौरव गुलाटी ने दर्ज करवाया है। उन्होंने सब्जी मंडी पुलिस थाने में इंडियन पीनल कोड की धारा 228A के तहत मामला दर्ज करवाया है। 30,000 कोर्ट में एक याचिका भी डाली है, जिसमें इन सभी सितारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है।
विकी कौशल ने बीते दिनों अपनी साइंस फिक्शन फिल्म इमॉर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा की अनाउंसमेंट की थी, जिसकी शूटिंग इस साल अप्रैल महीने से शुरू होनी थी, मगर कोविड-19 की वजह से मेकर्स ने शूटिंग डेट को अप्रैल से बढ़ाकर जुलाई किया था। फिर खबर आई कि एक बार फिर से शूटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। अब खबर है कि ये फिल्म पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चली गई है। वजह है फिल्म का भारी भरकम बजट। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला अब इस फिल्म को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। दरअसल मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म को इस तरह से लिखा है कि इसका बजट 200 करोड़ के पार जाना तय है। इसमें भारी VFX का भी इस्तेमाल किया जाना था, मगर रॉनी इस मूवी पर ज़्यादा से ज़्यादा 125 करोड़ रुपए ही खर्च करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इस पैंडेमिक के टाइम में फिल्में थिएटर्स में रिलीज़ हो भी रही हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, इसलिए इतना बड़ा बजट किसी फिल्म पर लगाना फिलहाल उन्हें सही नहीं लग रहा। यही कारण है कि विकी की इमॉर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा पर काम रुक गया है। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी 10 सितंबर को रिलीज होने वाली है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री रही जयललिता की इस बायोपिक को केवल उन शहरों में ही रिलीज किया जाएगा जिनमें सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दी गई है। महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सिनेमा हॉल्स को बंद ही रखा है। ऐसे में कंगना ने महाराष्ट्र सरकार को ताने मारना शुरू कर दिया है। आज सुबह अपने इंस्टाग्राम पर कंगना ने एक पोस्ट किया, लिखा महाराष्ट्र में होटल, ऑफिस, लोकल ट्रेन सब कुछ खुला है, बस कोविड-19 की वजह से थिएटर्स बंद है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक कोविड केवल और केवल मूवी थिएटर्स में फैलता है। इससे पहले कंगना ने सरकार से अपील की थी कि वो थिएटर्स ओपन कर दें। लिखा था महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी आई है, मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करती हूँ कि राज्य में सिनेमाघर खोले जाएं और खत्म होती फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर बिजनेस को बचाया जाए। वैसे कंगना और महाराष्ट्र सरकार में हमेशा ठनी रहती है। BMC ने कंगना के ऑफिस को जब से तोड़ा है उसके बाद से कंगना महाराष्ट्र सरकार को सुनाने का कोई मौका छोड़ती नहीं। खैर थलाई हुई फिल्म की बात करें तो ये हिंदी के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी। कंगना के अलावा अरविंद स्वामी भी इसमें नजर आएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ के बाद पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। टीवी से जुड़े कई कलाकार देर शाम उनके घर भी पहुंचे थे। इनमें बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट जसलीन मथारू भी थे। अब जसलीन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वो कुछ दिनों से अस्पताल में एडमिट है। जसलीन का कहना है कि सिद्धार्थ की मौत के बाद उनका बनाया एक वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने जसलीन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। वीडियो देख कई यूजर्स ने उनका मजाक उड़ाया। उस दौरान एक ने कमेंट करते हुए लिखा कि तुम भी मर जाओ। ऐसे कमेंट को देखने के बाद जसलीन को तेज बुखार हो गया और बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जसलीन ने कुछ दिनों पहले पोस्ट करके सिद्धार्थ शुक्ला के घर का माहौल और शहनाज के बारे में भी बात की थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें संसद सदस्य शशि थरूर बॉलीवुड सॉन्ग एक अजनबी हसीना से गाना गाते नजर आ रहे हैं। शशि थरूर अपनी हाजिर जवाबी और अपनी इंग्लिश के लिए मशहूर हैं। इस वीडियो में उनका हिंदी एक्सेंट देखकर यही समझ आ रहा है कि शशि को हिंदी बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। उनके इसी वीडियो पर जावेद अख्तर ने मजे ले लिए। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, वाह, हमारे यहाँ हिंदी में भी एक ऐसा ही गाना है। तो बस आज के शो में इतना ही। अब मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ। आपको हमसे कुछ कहना हो, सिनेमा शो को लेकर कोई फीडबैक हो, बॉलीवुड से सिनेमा से जुड़ी कोई खबर हो तो आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब लेना चाहेंगे आपसे विदा, देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।